मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस भर्ती को लेकर भाजपा को आड़े हाथों ले लिया। सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस भर्ती लीक होने की खबर आग की तरह फैल गई और अब कर रही है नंबर वन पर ट्रेंड। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती विभाग द्वारा निकाली गई कई कांस्टेबल की 60,244 पदों की भर्ती की लिखित परीक्षा 2 दिन में संपन्न हो गई और इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने 2 दिन यानी 17 और 18 फरवरी को लिखित परीक्षा दी और इस दौरान कई जिलों से पेपर लीक और साल्वर पकड़ने की खबरें सामने आई। वहीं इसके लेकर अब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार बेरोजगारों का सब्र का इम्तिहान ना ले। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के सभी सत्रों का पेपर लीक होने की खबर सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट के साथ फैल रही है, जिससे लाखों बेरोजगार युवाओं में आक्रोश है। पिछली अन्य परीक्षाओं की तरह इस बार भी रोजगार देने के नाम पर पेपर लीक होने की जो आशंका थी वो सच होकर समाचार पत्रों के माध्यम से सामने आ रही है। वहीं सपा मुखिया ने लिखा, भाजपा सरकार बेरोजगारी के सब्र का इम्तिहान ना ले। विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार युवा किसी तरह परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन भाजपा राज में उनके साथ हमेशा मजाक होता रहा है। लगता है कि भाजपाइयों ने परीक्षाओं को पैसा कमाने का कारोबार बना लिया है, तभी तो ऐसे राजनीति प्राश्रय प्राप्त लोगों के खिलाफ कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं होती और हर परीक्षा में यही खेल हो जाता है। भाजपा ने युवक युवतियों का विश्वास खो दिया है और इस लोकसभा चुनाव में युवा भाजपा को पदमुक्त कर देंगे। युवा ये कहता है आज का नहीं चाहिए भाजपा। बता दें कि यूपी पुलिस में 60,244 पुलिस आरक्षी पदों की भर्ती के लिए 17 और 18 फरवरी को प्रदेश के सभी 75 जिलों में 2385 सेंटर पर परीक्षा आयोजित हुई और यूपी सरकार द्वारा शनिवार और रविवार को 2 पालियों में हुई इस परीक्षा को लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए। इस परीक्षा के लिए कुल 48,17,441 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसमें 15,48,979 महिलाएं अभ्यर्थी शामिल थीं।